दोस्तों भाजपा के केंद्र में शासन को लगभग 8 साल पूरे हो गए। अरे शासन काल में भाजपा ने भारत की जनता को कई सौगात दी हैं, जिसमें से एक के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे की। कितने वक्त में बनाई एक्सप्रेसवे, क्या है इसकी खासियत और क्या है इसकी लागत, और भारत को इससे होगा कौन सा फायदा, ये सारे सवालों के जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। पर वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो महाराष्ट्र मुंबई और नागपुर के दो बड़े शहरों के बीच कनेक्टिविटी आसान और छोटी हो जाएगी, क्योंकि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे रियलिटी की ओर बढ़ रहा है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, जिसे मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के रूप में भी जाना जाता है, 10 जिलों के 392 गांव से होकर गुजरेगा। दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय को घटाकर 7 घंटे कर देगा। समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में किया था। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का पहला फेज नागपुर और शिरडी के बीच चरणों में खोला जाएगा। इससे पहले एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मई 2022 में किया जाना था, लेकिन स्ट्रेच पर एक वाइल्ड लाइफ ओवरपास के एक सेक्शन के डैमेज होने के बाद इसे बंद कर दिया गया था। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी MSRTC ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के बाद नेशन वाइड तालाबंदी के कारण मुंबई से नागपुर एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन पर भारी असर पड़ा था। इसीलिए दिसंबर 2021 के पहले लक्ष्य के मुकाबले समृद्धि महामार्ग की कंप्लीशन डेट को दिसंबर 2022 तक शिफ्ट कर दिया गया। समृद्धि महामार्ग टेस्ट ड्राइव। समृद्धि महामार्ग के उद्घाटन से ठीक पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक टेस्ट ड्राइव ली थी। शिरडी और नागपुर के बीच मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के 520 किलोमीटर लंबे फेज वन पर खुद उप मुख्यमंत्री ने कार चलाई। अब दोस्तों हम आपको मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे की कॉस्ट के बारे में बताते हैं। 55,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है ये समृद्धि महामार्ग। आपको बता दें कि इसको बनाने में लगभग 9,900 हेक्टेयर जमीन लगी है। 10,000 हेक्टेयर भूमि कृषि समृद्धि नगर के विकास के लिए होगी और 145 हेक्टेयर भूमि का इस्तेमाल समृद्धि महामार्ग के किनारे सुख सुविधाओं के लिए किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए हम आपको समृद्धि महामार्ग रूट मैप के बारे में बताते हैं। 701 किलोमीटर लंबा मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे समृद्धि महामार्ग नागपुर वर्धा अमरावती वाशिम बुलढाणा जालना औरंगाबाद नासिक अहमदनगर ठाणे से होकर गुजरेगा। नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे मार्ग के साथ सभी बड़े शहरों और टूरिस्ट प्लेसेस को जोड़ने के लिए इंटरकनेक्टिंग हाईवे और फीडर सड़कों को बनाया जाएगा। समृद्धि महामार्ग के कारण चंद्रपुर भंडारा गोंदिया गढ़चिरौली यवतमाल अकोला हिंगोली परभणी नांदेड़ बीड़ धुले जलगांव पालघर और रायगढ़ जैसे दूसरे 14 जिले जुड़ेंगे। समृद्धि महामार्ग मैप से पता चलता है कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन को भी जोड़ेगा। समृद्धि महामार्ग मैप के मुताबिक शिरडी बीबी का मकबरा सुला वाइन्स यार्ड त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर तानसा वन्य जीव अभ्यारण्य पैंच राष्ट्रीय उद्यान और ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व को कवर करेगा। समृद्धि महामार्ग या समृद्धि राजमार्ग का पहला फेज वाशिम जिले में नागपुर और शैलू बाजार के बीच 210 किलोमीटर का होगा, शैलू बाजार से शिरडी तक। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शिरडी से मुंबई के बीच समृद्धि हाईवे का आखिरी चरण 2023 के मिडिल में खोला जा सकता है। आइए बात करते हैं समृद्धि महामार्ग स्पीड लिमिट डिटेल्स के बारे में। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम द्वारा इम्प्लीमेंटेड और एग्जीक्यूटेड समृद्धि महामार्ग पूरी तरह से ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे में से एक है, जिसे फ्लैट और गैर पहाड़ी इलाकों में 120 किलोमीटर प्रति घंटे और पहाड़ी क्षेत्रों में 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। सभी भारी वाहनों को सभी इलाकों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति बनाए रखनी होगी। चलिए अब आपको मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे की प्रोजेक्ट डिटेल्स के बारे में बताते हैं। समृद्धि महामार्ग पूरी तरह से ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे में से एक है, जिसे 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के लिए डिजाइन किया जाएगा। समृद्धि महामार्ग रूट मैप के साथ लगभग 24 टाउनशिप की योजना बनाई जा रही है, जो राज्य के कुछ कम डेवलप्ड एरियाज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और बढ़ावा देगी। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे समृद्धि महामार्ग पश्चिमी घाट के पहाड़ी इलाकों से भी गुजरेगा। यह 8 लेन का मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे है, जिसमें 6 लेन और 2 एडिशनल सर्विस रोड होंगे।
समृद्धि महामार्ग में 6 सुरंगें और उनमें से एक महाराष्ट्र की सबसे लंबी सुरंग है। न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल करके बना सबसे लंबी सुरंग का जीवन काल 100 वर्ष तक है। दाई ओर 7.74 किलोमीटर और बाई ओर 7.78 किलोमीटर। 3 लेन डबल टनल 35 मीटर चौड़ी है, जबकि करेंटली में कसारा घाट को पार करने में लगने वाला समय लगभग 20 से 25 मिनट है। इस सुरंग में लगने वाला समय घटकर 5 मिनट रह जाएगा। समृद्धि महामार्ग परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि एक पूलिंग मॉडल के तहत है, जहां किसानों को विकसित भूमि का 30% कहीं और मिलेगा। इसके अलावा मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे परियोजना के हिस्से के रूप में किसानों को अगले 10 वर्षों के लिए असिंचित भूमि के लिए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और सिंचित भूमि के लिए हर साल 1,00,000 रुपये मिलेंगे। MSRDC कृषि समृद्धि नगर के लिए न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी भी होगा, जिसे मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के साथ डेवलप किया जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने भंडारा गोंदिया और गढ़चिरौली तक महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के विस्तार की घोषणा की। अब अगर हम आपको समृद्धि महामार्ग का करंट स्टेटस बताएं, तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समृद्धि महामार्ग की वर्तमान स्थिति ये है कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पर लगभग 70% सिविल काम पूरा हो गया है। समृद्धि महामार्ग को नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे के नागपुर छोर के चरणों में चालू किया जाएगा। समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का लगभग 95% काम पूरा हो चुका है, जो अगले महीनों से वाहनों के लिए चालू हो जाएगा। मुंबई छोर पर मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे शाहपुर जिले से शुरू होगा। MSRDC ने समृद्धि एक्सप्रेसवे के स्टेटस पर मेंशन किया है कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के लिए जल्दी सिविल काम पूरा हो जाएगा और पेट्रोल पंप, फूड प्लाजा, शौचालय आदि जैसे सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के साथ मुंबई और नागपुर के बीच की दूरी 701 किलोमीटर है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे में कुल 26 टोल बूथ होंगे। चलिए हम आपको बताते हैं कि समृद्धि महामार्ग को किन किन एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ा जाएगा। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे न्यूली प्रपोज्ड पुणे औरंगाबाद एक्सेस कंट्रोल ग्रीन एक्सप्रेसवे से जुड़ा होगा और इससे पुणे और नागपुर के बीच टाइम ट्रेवल कम हो जाएगा। केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक ट्वीट में कहा, नागपुर से पुणे का सफर 8 घंटे में पॉसिबल होगा। वर्तमान में नागपुर से पुणे जाने वाले यात्रियों की इनकन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग छत्रपति संभाजी नगर के पास न्यूली प्रपोज्ड पुणे छत्रपति संभाजी नगर एक्सेस कंट्रोल ग्रीन एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। पहले नागपुर और पुणे के बीच यात्रा करने में लगने वाला समय 14 घंटे के करीब था। अब हम आपको बता देते हैं कि मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे को ग्रीन कॉरिडोर में बदल दिया जाएगा। MSRDC ने सड़क के किनारे 12.68 लाख पेड़ लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा 12.87 लाख छोटे पौधे और 3.21 लाख झाड़ियाँ परिसर की दीवार के अंदर लगाई जाएंगी। सरकार द्वारा समृद्धि राजमार्ग गलियारे के साथ 250 मेगावाट का एक सोलर प्लांट लगाया जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।